नमस्कार बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। हाँ बच्चों, अपना कौन सा चैप्टर चल रहा था? अपना चैप्टर हिंदी में चल रहा था बाल राम कथा पुस्तक का पार्ट सेकेंड, जंगल और जनक। आपने लेसन बच्चों का रीड कर लिया होगा, आपको समझ में आया होगा पार्ट, राम जी के जीवन के बारे में आया होगा, उनको जब वनवास मिला था वो कहाँ कहाँ गए थे, कहाँ कहाँ नहीं भटके वो लोग, उन किसने वनवास दिया था उनको, किसने सीता का हरण किया था, ये अब आगे वाले चैप्टरों में आएगा कैसे सीता का हरण हुआ था। रामायण तो आपने देखी है, टीवी में आती थी, शायद अभी भी आ रही है रामायण, आपने देखी है रामायण। ये सब प्रश्न उत्तर उसी का ही है। ये बुक का नाम भी बाल राम कथा ही है, इसका पार्ट सेकेंड, इसके में प्रश्न उत्तर करवाने जा रही हूँ। ये प्रश्न आपकी बुक में दे नहीं रखते, लेसन के पीछे क्या होते हैं, प्रश्न दे रखे होते हैं, लेकिन इसमें आपके प्रश्न उत्तर बिल्कुल भी नहीं है। प्रश्न मैं खुद लिखूंगी और आंसर भी लिखूंगी, प्रश्न मैंने खुद बनाए हैं, आंसर भी बनाए हैं, आपको लिखवाऊंगी। प्रश्न उत्तर करने से पहले आप करोगे कठिन शब्दों के अर्थ, क्या करोगे कठिन शब्दों के अर्थ, तो चलिए पहले अपने शब्द अर्थ ही करते हैं। तो फर्स्ट शब्द क्या है जो मैं लिखवाने जा रही हूँ, तो देखिए फर्स्ट शब्दार्थ क्या है, दृष्टि से ओझल होना। फर्स्ट शब्दार्थ है दृष्टि से ओझल होना। फर्स्ट शब्दार्थ है जहाँ पर दो नदियों का मेल होता है वो क्या बोला जाता है, जहाँ पर दो नदियों का मिलान होता है, इस बार में क्या है, दो नदियों का ही मेल हुआ है। जहाँ जाना कठिन हो, जहाँ पर अपने नहीं जा सकते, नहीं पहुँच सकते, उसको अपने क्या बोलते हैं, दुर्गम रास्ता। Thank you.
सख्त हो, सख्त कोई चीज़ होती है जो सख्त चीज़ होती है टाइट, तो क्या बोलते हैं कर्कश या कठोर। और अब आगे क्या है, आप दिलाते हैं कि तुम्हारा ये काम होकर ही रहेगा, मैं आपका काम अवश्य ही कराऊंगा, मेरे पर भरोसा रखिए। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फर्स्ट साफ करते हैं, फर्स्ट साफ करते हैं, तो आप करते हैं सेकंड साफ करते हैं, किसको बोलते हैं धनुष की डोर, पहचान क्या होती है धनुष की डोर, डोरी लगी हुई है धनुष की। Thank you.
अच्छी लगने वाली चीज क्या होती है? मनोहर। साथ में प्री मिड टर्म की तैयारी करते रहना। धन्यवाद।